वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वी हैव टू कंप्लीट अवर एक्सरसाइज 7.2। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वी हैव टू कंप्लीट अवर लेसन नंबर 7.2 इन द लास्ट वीडियो। नाउ आई एम स्टार्टिंग चैप्टर 8। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू साइन कॉस मीन्स ट्रिग्नोमेट्री। इसमें भी वही आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक का यूज करना है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आई एम एक्सप्लेनिंग बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। देखो इसमें दो तरह के एंगल्स हमको यूज करने हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलिवेशन एंड डिप्रेशन आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। देखो आप लेट कीजिए कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, सॉरी वर्टिकल लाइन है आपके पास, और यहाँ एक ऑब्जर्वर खड़ा है। ऑब्जर्वर किसी ट्री को देखता है जो यहाँ पर है। इस ट्री को अगर वो लुक करेगा तो उसकी लाइन ऑफ साइट ही होगी, है ना। ऑब्जर्वर है ये क्या है, ऑब्जर्वर आया समझ में आपको। और यहाँ पर ये इस ट्री को देख रहा है, यहाँ पर एक ट्री है, क्लियर। इस ट्री को ये ऑब्जर्व करता है यानी देखता है, तो लाइन ऑफ साइट, इसको आप क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। तो इस तरह से इन दिस वे द एंगल इज फॉर्म इज कॉल्ड एलिवेशन एंगल, आया समझ में। ऑब्जर्वर का जो बेस है वो और लाइन ऑफ साइट जो रहेगी, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा कहलाता है, और इसको आप क्या कहते हैं, एलिवेशन एंगल। व्हाट वी से दिस एंगल, एलिवेशन एंगल, क्लियर। नाउ सेकंड, देखो अब सेकंड मैंने कहा एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो क्या होता है, ये एलिवेशन एंगल या एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इसको कहते क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये लिखा मैंने एलिवेशन, ठीक है। किस किस का कॉम्बिनेशन है, लाइन ऑफ साइट एंड ऑब्जर्वर, जहां स्टैंड है वर्टिकल लाइन। लुक हियर, अब देखो ये रे आपका ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, यहाँ स्टैंड है वो, और नीचे कोई चीज है डाउन साइड में, यहाँ पर कोई चीज है उसको वो सी करता है, तो आपकी लाइन ऑफ साइट ही आ गई। ये क्या हुआ, लाइन ऑफ साइट आ गया समझ में, ये लाइन ऑफ साइट हो गई आपकी। तो इस तरह से जो ये थीटा बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या कहते हैं इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन, आया समझ में। आपको दो एंगल्स बताए मैंने, एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑब्जर्वर स्टैंड है जहां से लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल, ये भी सेम है ऑब्जर्वर और लाइन ऑफ साइट का एंगल, लेकिन शेप देखिए इस तरह से। अब दोनों एंगल्स को अगर हम मिक्स करके देखें, ये एक बार ऑब्जर्वर यह रहा एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऑब्जर्वर यहाँ है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। क्यों, रीजन बताइए, किस टाइप का एंगल है ये, कौन सा एंगल बना रहा है, ये बना रहा है अल्टरनेट एंगल, और दोनों अल्टरनेट एंगल जो है इक्वल टू ईच अदर होते हैं, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन अगर किसी क्वेश्चन में आपके को एक साथ गिवन हो तो उनकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू ईच अदर होगी। देखो अब इसका क्वेश्चन फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो मैं क्वेश्चन आपको रीड करती हूँ। द शेडो ऑफ अ वर्टिकल पिलर इज सेम द हाइट ऑफ द पिलर। देखो पिलर की शेडो और उसकी ओरिजिनल हाइट सेम है, और आपको एलिवेशन एंगल फाइंड करना है। देखो आप डायग्राम कैसे बनाओगे, हियर इज पिलर, इस पिलर की शेडो कहाँ फॉर्म होगी, नेचुरली है जमीन पर, है ना, फ्लैट स्पेस प्लेस पर होगी, तो ये आपकी शेडो और ये आपकी पिलर। ये कह रहा है शेडो और पिलर की साइज जो है वो एक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लीजिए कि ये जो चैप्टर है, मतलब साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री जो है वो किससे, 90 एंगल के लिए यानी राइट एंगल्स के लिए यूज होता है। तो हमने क्या बनाया, तो पिलर बनाया और एक इसका सरफेस बनाया, पिलर की शेडो बनाई जो सरफेस पर बनेगी, तो और इसको आपने हाइपोटेन्यूस से ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, ये राइट एंगल बन गया, ठीक है। अब आपको क्या किया मैंने, पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, नेमिंग करनी है कि आपने ए बी सी की नेमिंग कर दी, ठीक है ना। अब आपको जो क्वेश्चन में गिवन है उस पर कंसंट्रेट करना, अगेन क्वेश्चन रीड करना है आपको। द शेडो ऑफ अ पिलर इज सेम टू हाइट ऑफ द पिलर, जो इस पिलर की हाइट है वो इसके शेडो के इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो गई, इक्वल बता रहा है तो इक्वल लिखोगे। अब आपको किसमें जाना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले में जाना है। आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, यानी आपको क्या दे रखा है, ए बी जो परपेंडिकुलर है, और आपको एक बेस दे रखा है जो है बी सी, यानी आपने क्या लिया, टेन थीटा, क्या लिया आपने, टेन थीटा लिया। ए बी की वैल्यू क्या गिवन है आपको, एच और इन ट्राइंगल, पहले लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी, आपने कौन से ट्राइंगल का यूज किया, ट्राइंगल ए बी सी का यूज करे उस सॉल्यूशन के लिए। सो ए बी अपॉन बी सी, और ये किसकी वैल्यू बता रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन थीटा लिखा मैंने, आपको थीटा ही तो फाइंड करना है इसमें।
देखो ए बी की वैल्यू है एच और बी सी की वैल्यू भी आपको क्या गिवन है, एच गिवन है, ठीक है, इजिकल्स टू टेन थीटा। अब आप इसको कैंसिल करोगे तो वैल्यू टेन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई। अब आप एक्सरसाइज उसमें सॉरी टेक्निकल टेबल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि टेन में वन जो वैल्यू, टेन वाली जो लाइन है उसमें वन वैल्यू किसके लिए है, टेन 45 के लिए। सो आंसर विल बी टेन थीटा वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टेन 45। सो दिस इज अवर सर। हुआ क्लियर आपको? आपको पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, इसमें आपको पूरा ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। थर्ड टाइम आप इस चैप्टर को इसको समझ रहे हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक, और मोर देन टाइप आपको टेन थीटा ही यूज करना है। पर टेन थीटा यूज करेंगे तो इजी गोइंग सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, मैं एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, फर्स्ट वो क्लियर आपको। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, पहले मैं आपको पढ़ के दिखा सुना देती हूँ इस क्वेश्चन को। अब 15 मीटर लॉन्ग लैडर टचेस द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। देखो एक वर्टिकल वॉल है, ठीक है, ये वॉल है आपकी वर्टिकल वॉल, इसको एक लैडर, लैडर का मतलब क्या, सीढ़ी टच कर, ये बन गया, इसका बेस आप ऐड कर दे बन गया 90 डिग्री, नेमिंग कर दो ए बी सी। देखो अब क्या कह रहा है, 15 मीटर लॉन्ग लैडर, ये 15 मीटर लॉन्ग लैडर आपको क्वेश्चन में गिवन है, और वॉल वॉल की लेंथ हाइट तो आपको फाइंड करनी है, तो अपन वॉल की हाइट को एच लिख देते हैं, और एंगल ऑफ इसने एलिवेशन आपको दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है 60 डिग्री, ये कह रहा है 60 डिग्री, ठीक है। आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है यहाँ पर, हाइट ऑफ अ वॉल, वॉल की हाइट फाइंड करना है। तो देखो पहले ट्राइंगल ए बी सी दिया आपने, क्या दिया, ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी लुक चिल्ड्रन है ना, क्या ले लोगे आप, मैंने आपको बताया आपको वही पंडित बद्री प्रसाद हरहर से फाइंड करना है। देखो आपके पास एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन टेन लेते हैं, अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में कहा था ना टेन से क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व होते हैं। देखो अब आपको क्या लेना है, ए बी अपॉन में बी सी, क्या हुआ टेन 60 डिग्री हुआ। ए बी की वैल्यू क्या है आपके पास, ए बी की वैल्यू है आपके पास एच, और बी सी, बी सी आपके पास है ही नहीं यहाँ पे, देखो तो उसको एक्स एड कर लिया एक्स, और टेन 60 की वैल्यू आप टेबल से देखेंगे तो होती है रूट थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो एच की वैल्यू आपके पास आ गई रूट थ्री एक्स, ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ऐसा में अब इक्वेशन सेकंड के लिए देखो, अब हम क्या जाएंगे, अपन जाते हैं फिर वापस से आपको ट्राइंगल लेना है इन ट्राइंगल ए बी सी। देखो ए बी सी ट्राइंगल में हम गए आपके पास इसका और इसका कॉम्बिनेशन, अब हम किसको ले लेंगे, साइन थीटा ले लेंगे, क्यों ले लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर अपने पास है ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस आपके पास है ए सी, और पी अपॉन एच, देखो पी अपॉन एच ये क्या है आपके पास साइन थीटा, तो साइन थीटा अपने साइन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 60 डिग्री है। देखो 60 डिग्री वैल्यू पुट करो, ए बी की वैल्यू तो आपके पास एच है, और ए सी, ए सी की वैल्यू क्या है आपके पास एक्स, इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है आपके पास रूट 3/2। अब देखो एच, एच की वैल्यू आपके पास है, एच की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ये आ गई रूट 3x। तो देखो इसको अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ, एच की वैल्यू रखी मैंने बाय इक्वेशन फर्स्ट, देखो एच की वैल्यू है आपके पास रूट 3x अपॉन में एक्स, साइन 60 की वैल्यू, एक मिनट का खैर वापस सॉल्व करूँ, थोड़ी जगह शॉर्ट कर रही हूँ, वहाँ कर देती हूँ है ना, देखो साइन 60 इज इक्वल टू अपने पास क्या आया पी अपॉन एच, हाँ देखिए देखो आपको यहाँ तक तो क्लियर हुआ, एच इज इक्वल टू रूट 3x फर्स्ट इक्वेशन बनी। देखो अभी इसी वाले ट्राइंगल को आपको अगेन लेना है, लिखा है मैंने ट्राइंगल ए बी सी, मैंने क्या लिया है ए बी अपॉन ए सी, देखो ए बी क्या है आपके पास परपेंडिकुलर, और ए सी आपके पास क्या है हाइपोटेनियस, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या बनाता है साइन, तो ये साइन 60 वैल्यूज पुट की मैंने, देखो ए बी की वैल्यू क्या है आपके पास एच है ना, और ए सी की वैल्यू आपके पास
एसी की वैल्यू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू 15 क्वेश्चन में गिवन है, इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू आपको किससे देखनी है, टेबल से देखनी है, रूट 3/2 क्रॉस किया, देखो टू, अब देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट में जाइए, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये एच इज इक्वल टू रूट 3x, यहाँ पर एच है ना, इस एच की वैल्यू मैंने रूट 3x रखी, ठीक है, अपॉन में 15 एज इट इज इक्वल टू रूट 3/2 एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो रूट 2 रूट 3x यहाँ आया, इज इक्वल टू 15 रूट 3, और x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो x मैंने बाहर निकाला, x को बाहर निकाला और वैल्यू क्या आई आपके पास, 2 रूट 3 डाउन में चला गया, 15 रूट 3 अपॉन में 2 रूट 3 इज इक्वल टू 15/2, और आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 7.5 मीटर। ये तो आपके पास बेस आया, लेकिन उसने आपको क्या पूछी है क्वेश्चन में, क्या पूछ, ये आपको आस्क कर रहा है क्वेश्चन में, ये आप कर रहा है हाइट ऑफ द टावर, और हाइट हमने क्या लेट की है, देखो एच लेट की, तो अब हम एच की वैल्यू निकालेंगे, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच इज इक्वल टू रूट 3x, एच इज इक्वल टू रूट 3 तो है ही, और एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आई देखो, 15/2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 15/2 रूट 3, 15/ ऐसे लिखो आप, 15√3/2 यानी 7.5√3 मीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है, वो क्लियर है ना, एक्स की वैल्यू मतलब आपके पास बीसी की वैल्यू तो 7.5 मीटर आई, और पिलर की वैल्यू एबी की वैल्यू क्या आई आपके पास, 7.5√3 मीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ आप सेल्फ कीजिए, मैं फिफ्थ क्वेश्चन बताऊं आपको, है ना, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रीड करती हूँ ताकि आपको इस क्वेश्चन को इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकें और इसको एक्सप्लेन कर सकें। देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपके पास, आपको इसमें गिवन है, एक तो हाइपोटेनियस गिवन है, देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, इसमें ये रहा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, देखो एक आपको रिवर गिवन है, देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, देखो इसमें आपको क्या गिवन है, एक रिवर गिवन है, ये रही रिवर आपकी, दिख रही है आपको ये रिवर है ना, इसमें पानी फिल है, इस पर एक क्या बना रखा है, इसमें ब्रिज बना रखा है, ये रहा इसका ब्रिज, ठीक है, और अपने को ब्रेथ ऑफ द रिवर फाइंड करना है, ये देखो ये रिवर, ये रही ये है ना, ये इसकी ब्रेथ, ये आपको फाइंड करना है, आ रहा समझ में, ये रिवर इसके ऊपर एक ब्रिज और ये इसकी ब्रेथ जिसको आपको फाइंड करना है, और ब्रिज की लेंथ इसने दे रखी है 150 मीटर, पूरा डायग्राम ड्रॉन किया है मैंने, देखो ब्रिज के साथ और ये बेस है ना, वर्टिकल लाइन के साथ आपको जो सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल आपको थीटा गिवन है वो है 45 डिग्री। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको सबसे पहले ट्राइंगल फाइंड आउट करना है कि हम किस ट्राइंगल से वर्क कर रहे हैं, तो हमने ट्राइंगल कौन सा लिया है, ए बी सी, ये राइट डाउन किया मैंने ट्राइंगल ए बी सी, इसमें मैंने लिया देखो आपको क्या दे रखा है, एक तो परपेंडिकुलर और एक ही बने हाइपोटेनियस, इन दोनों का यूज किया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से क्या बन रहा है आपके पास, साइन बन रहा है, ये रखा मैंने साइन 45, एक्स की वैल्यू सॉरी हाइट की वैल्यू तो आपको एक्स ही दे रखी है, तो हमने एक्स ही रखा, इसकी वैल्यू 150 आपको दे गिवन ही है ना, आप ये भी रख सकते थे, देखो पी अपॉन एच रख सकते, पहले परपेंडिकुलर ए बी गिवन है वो रखो, और नीचे आपको हाइपोटेनियस क्या गिवन है, ए सी को उसको रखो, ठीक है, अब ए बी की वैल्यू एक्स और ए सी की हाइपोटेनियस की वैल्यू 150 मीटर आपको गिवन है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 दिया, देखो यहाँ पर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √2x से मल्टीप्लाई हुआ, 150 वन से हुआ तो 150, देखो अब मैंने क्या किया है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी तो मैंने एक्स को आउट किया और √2 को डाउन ले गई, तो 150/√2। अब इसका सॉल्यूशन और इजीली करने के लिए हमने 9th स्टैंडर्ड में रेशनलाइज मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, रेशनलाइज में हम क्या करते थे, जो डिनोमिनेटर होता था उसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते थे, वही मैंने यहाँ किया, यहाँ पर आप एक लाइन लिखोगे रेशनलाइज, क्या लिखोगे रेशनलाइज, ये रेशनलाइज किया तो 150√2 आ गया यहाँ, तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 2 में 150 का डिवाइड दिया, 75√2 मीटर प्लस हाइट ऑफ सॉरी ब्रेथ ऑफ द रिवर आ गई, क्लियर। देखो अब सेवेंथ क्वेश्चन, बहुत ही अलग डिफरेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी है, आप इसके एग्जाम्पल भी कीजिएगा, और प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे एक साथ, देखो मैं अब एक आपके लिए वीडियो बना दूंगी जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए होगी,
मैंने फर्स्ट लेसन कराया आपको, सिक्स्थ और सेवन्थ लेसन, तीनों लेसन के एग्जाम्पल आप घर पे कीजिए। करने के बाद जो क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आती है वो क्वेश्चन नंबर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए एक्सरसाइज के साथ, पेज नंबर के साथ। मैं एक वीडियो उसके लिए आपके पास आपके लिए बना दूंगी जिसमें सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा, जो जो आप डिमांड करेंगे, ठीक है ना। ऐसे बीच में नहीं हम वीडियो बना पाएंगे, एक साथ तीनों चैप्टर्स का वीडियो आपके लिए प्रिपेयर कर देंगे, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, देखो इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है। नीचे देखो, वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बेटा, और इसका आंसर आपको रूट के देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेवन, ये सेवन आपके सामने है। देखो एक तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, अभी तक मैंने जो सॉल्व करा है ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, पर सॉल्यूशन तो करना है, तो इसका भी मैंने किया। देखो अब इसमें आपको एक तो गिवन है कि एक बिल्डिंग है, उसके बेस से दो मतलब पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ए इज ग्रेटर देन बी भी गिवन है। देखो मैंने लिखा है ए इज ग्रेटर देन बी, सो मैंने ए तो बी डी को लेट कर लिया और बी सी को मैंने बी लेट कर लिया, क्योंकि ए बड़ा है ग्रेटर दे रखा है और बी स्मॉलर दे रखा है, ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंडली आपको थीटा दे रखे, लेकिन हमको थीटा पुट नहीं करने हैं, थीटा पुट नहीं करने हैं। मैंने क्या किया है, देखो जो आपके टोटल सम क्या होता है 90, आपने किया ना 90 माइनस थीटा, तो इनका टोटल सम 90 दे रखा है। देखो यहाँ पर दे रखा है ना 30 और 60, ठीक है। आपने कॉम्प्लीमेंट एंगल और वो वाले पढ़े थे, 6th-7th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हैं हमने, उसका सम 90 डिग्री होता है, 180 होता है कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का। तो देखो एक को मैंने लिया है थीटा और दोनों का सम 90 है, तो फर्स्ट वाले को मैंने 90 में से माइनस करके सेकेंडली ले लिया, तो एक एंगल तो मैंने माना, देखो ये रहा यहाँ पे लिखती हूँ थीटा, और दूसरा माना 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये हो गया आपके बोथ कॉम्प्लीमेंट एंगल, ठीक है, ये वाला लेट किया है। फिर देखो ए बी की वैल्यू मैंने एच ले ली, क्वेश्चन समझ में आया। एक बिल्डिंग है या मीनार है, उस बिल्डिंग से बेस में दो पॉइंट्स लिए हुए हैं इसने, ए ए इज ग्रेटर देन बी, सो ए मैंने ग्रेटर ले लिया और बी स्मॉलर ले लिया, बिगर एंगल को थीटा लेट किया, स्मॉलर एंगल को 90 माइनस थीटा लेट कर दिया। फिर इसको सॉल्व किया क्वेश्चन, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बिगर एंगल लिया, इसमें हमने दो बार ट्राइंगल्स देकर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखो फर्स्ट एंगल है हमारा ए बी डी, ये लिखा ए बी डी, दिख रहा है आपको ए बी डी, वही परपेंडिकुलर अपन बेस जिसकी वैल्यू 10 थीटा होती है। परपेंडिकुलर किया अपने पास एच और बेस आपका क्या है बी डी, क्या है आपका पूरा ए, और ये हमने 10 थीटा है, ठीक है। अब 10 को मैंने किस में कन्वर्ट किया, एच अपॉन ए इक्वल्स टू 10 की वैल्यू 1/cot होती है पंडित पद प्रसाद से, 10 के नीचे cot होता है ना बेटा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब मैंने स्मॉलर एंगल लिया, देखो ट्राइंगल लिया, देखो ए बी सी ये लिया ट्राइंगल ए बी सी, इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर वही हो गया आपका एच और बेस हो गया आपका ये रहा बी सी बी, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी मैंने 10 90 माइनस थीटा ये दे रखा है, 10 तो लिया क्योंकि अपन परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले रहे हैं, तो 10 होती है इसकी वैल्यू, और एंगल क्या दे रखा है 90 माइनस थीटा, दिख रहा है ना आपको, ये 90 माइनस थीटा लिया है बेटा, बहुत जगह थोड़ा सा शॉर्ट है इसलिए 90 माइनस थीटा। और देखो 10 90 माइनस थीटा रिलेशन वाले फॉर्मूले 7.2 के याद आए, उसकी वैल्यू 10 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है कॉट थीटा, ये इक्वेशन सेकंड ले ली। फिर दोनों इक्वेशंस का यूज किया बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ देखो एच अपॉन ए था वो रखा, यहाँ एच अपॉन बी था ये रखा, यहाँ पर 1/cot थीटा था वो पुट किया, और यहाँ पर कॉट थीटा था वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कॉट से कॉट को मैंने कैंसिल किया, एच को एच से मल्टीप्लाई किया तो एच स्क्वायर हुआ, और अपॉन में ए बी क्रॉस में ले गई यहाँ पर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, एच का रूट मैंने रिमूव किया तो ए बी जो है वो रूट ए बी के फॉर्म में हमारे पास आ गया, और यही हमको क्या करना था। देखो आप क्वेश्चन में आप शोन किया है आपके क्वेश्चन में कि एच इज इक्वल टू रूट ए बी आपको प्रूव करना है, इस तरह से आपका ये देखो आप दिखा आपको एच इज इक्वल टू रूट ए बी, हैंस प्रूफ मैंने लिखा है। और फिर भी आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो अगेन आप मैं आपको पिक सेंड कर दूंगी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो बेटा आपके सामने मैंने डायग्राम भी ड्रॉन किया है, एक्सप्लेनेशन भी किया है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें एक तो दो कंसेप्ट दे रखे हैं, एक तो आपको दे रखा है पिल्लर और एक दे रखा है आपको टावर। अब पिल्लर कौन सा है, तो ये पिल्लर है, ठीक है। ये पिलर की हाइट आपको 25 मीटर दे रखी है, उसके ऊपर एक टावर है, आगे टावर का टॉप ये है और बेस ये है, ठीक है। अगर समझ में, दिस इज पिलर विच है 25 मीटर हाइट एंड दिस इज टावर, टावर ऑफ टॉप ऑफ टावर इज ए एंड बेस ऑफ टावर इज बी, ठीक है। देखो अब इसमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बोलता है आपको कि एलिवेशन एंगल आपका टॉप ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन टावर है ना ये, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, टावर के टॉप से ऑब्जर्वर यहाँ है, ये टॉप है टावर का और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन एंड
इसका जो बेस है ये वाला बी या ई, दोनों ही बेस लैड करेंगे अपन, ये जो बेस से एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो दोनों इक्वल है। अब आप इसको लेट कर लो थीटा या इसको, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बेसिक क्लियर किया था बताया था कि इलेवेशन और डिप्रेशन एंगल, ये डिप्रेशन हो गया और ये इलेवेशन हो गया, दोनों एंगल इक्वल टू ईच अदर होते हैं बिकॉज दे आर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। क्लियर? तो मैंने यहाँ नहीं शो करके इसको यहाँ शो किया ताकि मेरे को एंगल को जब मैं फाइंड आउट करूँगी थोड़ा ईजी गोइंग हो जाए। देखो फर्स्ट एंगल मैंने क्या पॉइंट आउट किया है, दैट इज ट्राइंगल ए बी सी, अपर एंगल सॉरी ट्राइंगल ए बी ई आएगा बेटा, ए बी ई पॉइंट आउट किया। ठीक है, देखो इसमें दिया मैंने परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर और बेस किसको पॉइंट आउट करता है, टेन थीटा को। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, ए बी, और बेस है आपका ई बी। ठीक है, वो इसको इक्वेशन फर्स्ट ऐड कर लिया, चूंकि वैल्यूज तो है नहीं इसलिए इक्वेशन फर्स्ट। अब वापस से ट्राइंगल मैंने डाउन वाला लिया, कौन सा लिया है, ई बी सी, ये वाला ट्राइंगल लिया है ना, इसमें भी मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया है। देखो परपेंडिकुलर क्या है आपका, ये रहा बी सी जो 25 गिवन है आपको, और बेस हो गया, चाहे आप ई बी ले लो चाहे बी सी ले लो, ये दोनों पैरेलल टू ईच अदर है, इसलिए मैंने ई बी ले लिया। अब देखो ये हो गया टेन थीटा और ये हो गया आपकी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकेंड ऐड किया, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से सॉल्व किया। ठीक है ना, देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास, ए बी अपॉन ई बी, ये पुट आउट किया, और यहाँ पर इक्वेशन सेकंड क्या थी, 25 अपॉन ई बी, और चूंकि दोनों में टेन थीटा थी इनको कैंसिल कर दिया, हटा दिया इसको, तो ए बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ये ई बी से ई बी आपका कैंसिल और ए बी की वैल्यू आ गई आपके पास 25। लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना था, आपको फाइंड आउट करना था हाइट ऑफ द टावर। हाइट क्या है टावर की, ए सी, आ गया समझ में। तो मैंने ए सी को कैसे पॉइंट आउट किया, ए बी प्लस बी सी, देखो ए बी प्लस बी सी, ए बी की वैल्यू हमने फाइंड की 25 और बी सी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 25, सो आंसर विल बी 50 मीटर। ठीक है, देखो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये है क्वेश्चन नंबर 12। ये सारे अब तक जो 9, 10 आप खुद सॉल्व करेंगे, ये 10 तक के जो क्वेश्चन थे ये कैसे थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब 11 से स्टार्ट हुए हैं आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन, हाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, 10 तक तो आपके ऑब्जेक्टिव है पर 11 थ्योरेटिकल है, वो मैंने लेफ्ट किया है, उसको आपको ट्राई करें क्योंकि इजी है। 12th क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व किया, देखो यहाँ पर आपको एक पूरा बड़ा ट्री दे रखा है, गिवन है ट्री, और ये ट्री बीच में से ब्रेक हो गया, देखो ये मैंने ब्रेक किया, ये ब्रेक होने के बाद ये जो अपर पार्ट था जो ब्रेक हुआ वहां से वो जमीन को टच हुआ है ना, सरफेस को टच हुआ, तो ये वाला पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गया, यानी हाइपोटेनियस और ब्रोकन पार्ट बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, इसलिए मैंने इसको भी एक्स शो किया और इसको भी एक्स शो किया है आपको। ये वाला पार्ट मैंने एच शो कर दिया, और पूरी आपको बी डी फाइंड करना है, ट्री की लेंथ फाइंड करनी है, और ये जो ब्रोकन पार्ट यहाँ पर आपकी सरफेस पर टच हो रहा है उस पार्ट को, उस पार्ट की सी से बी की जो डिस्टेंस है गिवन है क्वेश्चन में वो 10 मीटर गिवन है, आ रहा है समझ में आपको। ठीक है, ठीक है ना, आ रहा है समझ में आपको, हाईलाइट हो रहा है ना आपको, क्लियर दिख रहा है ना। देखो अब मैंने फर्स्ट लिया है ट्राइंगल एबीसी, इस ट्राइंगल एबीसी में वही परपेंडिकुलर अपन बेस जिसकी वैल्यू क्या होती है 10 होती है, और 10 थीटा की वैल्यू आपको क्या गिवन है 60 डिग्री गिवन है। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है आपका एच है, और बेस आपको 10 मीटर गिवन है, तो एच बाय 10 इज इक्वल टू रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एच की वैल्यू √10√3 आ गया, क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। फिर सेकंड कंसेप्ट में वापस मैंने ट्राइंगल एबीसी लिया है, लेकिन इस बार मेरे को एक्स फाइंड करना है, इसलिए अब की बार मैंने एच अपॉन एक्स कॉस ले लिया, देखो कॉस 60 की वैल्यू ली, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है आपका 10 और हाइपोटेनियस आपका है एक्स, तो 10 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, क्रॉस किया तो 20 डिग्री। देखो अब आपको हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना था जिसकी वैल्यू है बी डी, तो बी ए बी, देखिए ये रहा ए बी प्लस ए डी, ये रखा है मैंने देखो डाउन में, ए बी प्लस ए डी, ए बी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से आई आपके पास एच है ना, ए बी की वैल्यू ये क्या है एक्चुअली आपका ए बी, तो ए बी की वैल्यू होगी 10√3 और ए डी की वैल्यू एक्स है, देखो ऊपर ए डी की वैल्यू एक्स है, ए डी एक्स के इक्वल है, तो मैंने एक्स की वैल्यू रख दी। देखो आप 10√3 की वैल्यू 1.73 क्वेश्चन में गिवन है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आंसर फाइंड आउट करेंगे, मैं आपको क्लियर करके शो करती हूँ। देखो क्या है अपने पास 10 × 1.732 + 20, देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये नहीं करेंगे 20 + 10 कर दिया आपको, नहीं पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 17.17320 हो जाएगा, 1, 2, 3 के बाद डेसिमल, 1, 2, 3 के बाद डेसिमल, प्लस 20,
इसको ऐड करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 37.320 मीटर, ये टोटल हाइट ऑफ द ट्री हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।